हेलो, आज हम बना रहे हैं नारियल मोदक। उसके लिए 1 कप चावल का आटा, ग्रेट करा हुआ नारियल 1 कप, 1/4 कप गुड़, इलायची पाउडर, देसी घी। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, ग्रेट करा हुआ नारियल, हल्का सा चलाएंगे। अभी इसमें एक गुड़ डाल देंगे हम 1/4 कप, इसको मेल्ट कर अभी हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर हम जो इलायची पाउडर डाल देंगे, 4-5 इलायची का पाउडर है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अभी कढ़ाई में 1/2 कप पानी डाल देंगे, 1 कप चावल का आटा और 1/2 कप पानी। एक चम्मच घी डालेंगे, एक चुटकी थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी उबल गया है। इसके अंदर हम जो हमारा आटा है, चावल का आटा है, 1 कप धीरे धीरे करके इसके डाल देंगे अंदर, लम्स नहीं पड़ने देंगे इसे। तो आटा अभी हमारा जो आटा है जो बन चुका है, रेडी हो चुका है, डो बन गया इसका। इसको हम अभी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। अभी हमारा जो चावल का आटा है, इसका डो है, जो बनाया है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा। अभी इसको हम ऐसे अच्छे से मसल लेंगे। इसको आपको ज़्यादा थोड़ा सूखा लगे तो उसको पानी का हाथ लगा के मसल सकते हो। गुड़वाली और नारियल की स्टफिंग बनाई है, उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिए, ऐसे थोड़ा सा लंबा लगे। और मोदक मोदक बनाने का वाले ऐसे हम एक मोल्ड लेंगे, ऐसे उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, घी लगा लेंगे थोड़ा सा, ऑयल भी ला सकते हो, घी ला सकते हो। थोड़ा सा जो हमारा चावल का जो आटा, इसको थोड़ा सा हम लेंगे ऐसे करके, इसके अंदर लगा लेंगे ऐसे। एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे, हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, हाथ के ऐसे एक फिंगर से ऐसे अच्छे से इसको सब चारों साइड में ऐसे कर देंगे अच्छे से। अगर जो हमारी स्टफिंग ऐसे हमने बॉल्स बनाए इसके अंदर लगा देंगे, हम ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे अच्छे से, अच्छे से बंद कर लेंगे। प्रेस कर देंगे अच्छे से, इसको ऐसे
देंगे, इतना हमारा मोदक तैयार हो गया है। ऐसे सारे हम मोदक रेडी कर लेंगे। अभी ऐसे चाली लेके हम इसमें थोड़ा सा और घी लगा लेंगे। अब जब हम मोदक बना रखे हैं इसमें अंदर रखेंगे, इसको स्टीम करेंगे हम। आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी कर सकते हो। ऐसे सारे मोदक हम इसमें रख लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। पानी हमने पहले से बॉइल कर रखा है, ऊपर इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। अब हमारे मोदक 10 मिनट के बाद हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं। बड़े हो चुके हैं, ऐसे बड़े हो गए साइज में, रेडी हो गए। हमने गैस बंद कर दिया। अभी अभी इसको ठंडे करके निकाल लेंगे। हमारे स्टीम मोदक रेडी हो चुके हैं।